बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी UGP। हम अपने आज के लेक्चर में फर्स्ट ईयर की बुक वन की शॉर्ट स्टोरी नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई, जिसे लिखा है जेजी स्टॉट ने, का पार्ट नंबर 2 की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, मैंने बहुत से जंगली फूलों की खूबसूरती को देखा है। अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, कुछ चट्टानों को, एंड मैनी स्पेशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, और बहुत सी सख्त और नर्म जंगली दरख्तों को देखा है। वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट, आप उस जगह तक पहुँचने के लिए इतना अमूदी रास्ता क्यों लेते हैं? आई आस्क, मैंने पूछा। लुक एट दीज अदर पाथ्स, उन दूसरे रास्तों की तरफ देखें। वट आर दे डूइंग देयर, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गजों के फासले के अंदर, सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ, बहुत सारे रास्तों ने इस बुनियादी रास्ते को छोड़ा, एंड सर्कल अराउंड द स्लोप, और इस दहलवान के गिर चक्कर लगाए। Gradually climbing the mountain, जो आहिस्ता आहिस्ता उस पहाड़ की तरफ जा रहे थे। All paths go to the same place, सारे के सारे रास्ते उसी जगह की तरफ जाते हैं। He answered, उसने जवाब दिया। Then why take the steep one, फिर आपने इतना दहलवानी रास्ता क्यों लिया? I asked, मैंने पूछा। I'll explain later, मैं बाद में इसकी वजाहत करूँगा। He spoke with half breaths, वो हांफते हुए बोले। He rested a minute to catch his second wind. उन्होंने अपना सांस बहाल करने के लिए थोड़ा सा आराम किया। While I managed to stand on the path, जबकि मैंने उस दौरान रास्ते पर खड़े होने का बंदोबस्त किया। By holding to a little sapling, एक छोटे से पौधे को पकड़कर, because it was too steep, क्योंकि ये इतना ढहलानी था, for my feet to hold, कि मैं अपने कदम यहाँ पे नहीं जमा सकता था, unless I braced myself, जब तक मैं अपने आप को संभाल ना लेता। Then my father started to move slowly, फिर मेरे वालिद साहब ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। Up the path again, उस रास्ते की तरफ दोबारा से। Sporting himself with his cane, अपनी छड़ी के साथ अपने आप को सहारा देते हुए। I followed at his heels, मैंने उनकी कदमों की पैरवी की। Just a few steps in front of him, उनके सामने से चंद कदमों के फासले पे, a fox squirrel crossed the path, एक लूमर गिलहरी ने रास्ते को पार किया। एंड रैन अप अ हिकरी ट्री, और अखरोट के एक दरख्त पर चढ़ गई। सी दैट जेस, जेस इसे देखो, ही शाउटेड, वो चिल्लाए। यस आई डिड, जी मैंने देखा है। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ही सेड, उन्होंने कहा, ये मुझे किसी चीज की याद दिलाती है। ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज टू सी अ फॉक्स स्क्वर्ड, एक लूमर गिलहरी को देखकर पुराने दिनों की याद आती है। बट दिस वुडन ब्रेक बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, लेकिन ये पिछले दिनों की उतनी याद नहीं दिलाती जितनी कि वो चीज दिलाएगी जो कि मैं तुम्हें अब दिखाने जा रहा हूँ। माई क्यूरियोसिटी वॉज अराउज्ड, मेरा तजस्सुस बढ़ गया। आई थॉट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, मुझे लगा ये शायद उन्हें एक नई किस्म की जंगली घास मिल गई है, और एन अनफेमिलियर हर्ब, या फिर कोई गैर मामूली सी जड़ी बूटी, और अ न्यू काइंड ऑफ अ ट्री, या फिर कोई नई किस्म का दरख्त। फॉर आई रिमेंबर द टाइम, क्योंकि मुझे वो वक्त याद था, ही फाउंड अ कॉफी ट्री इन आवर वुड्स, जब उन्हें हमारे जंगलात में एक कॉफी का दरख्त मिला था। इट इज एज फार एज आई नो, ये जहां तक मैं जानता हूँ, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री, ये हमारे मुल्क में उगने वाला सिर्फ एक ही किस्म का पौधा था। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट, सिर्फ दो दफा मेरे वालिद साहब अपना पसीना साफ करने के लिए रुके, फ्रॉम हिज आईज, अपनी आंखों से। एज ही क्लाइम्ड अप सेकेंड स्टीप ब्लफ, जैसे ही वो दूसरी अमूदी चट्टान की तरफ चढ़े, टूवर्ड्स द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स, स्नोबर के दरख्तों की टहनियों की तरफ। वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स, हम पहुंचे लिम्बलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स, हुज ब्रांचेस रीच टूवर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, हम इन लंबे सीधे स्नोबर के दरख्तों के बगैर टहनियों वाले तनों की तरफ पहुंचे, जिसकी शाखें
आसमान की नीली गहराइयों तक जा रही थी और द वाइट क्लाउड वॉज नाउ गॉन, और सफेद बादल अब जा चुका था। अ सा क्लियरिंग, मुझे एक साफ किया हुआ, अ स्मॉल छोटा सा, क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकर, एक साफ किया हुआ किता दिखाई दिया जो कि एक एकड़ के 3/4 हिस्से से ज्यादा ना था। इन द हार्ट ऑफ दिस वाइल्डनेस, इस बियाबान के बिल्कुल दरमियान में, राइट ऑन द माउंटेन टॉप, पहाड़ की चोटी के बिल्कुल ऊपर। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, बेटा अब तुम किसी चीज की तरफ आ रहे हो। ही सेड एज ही पुश्ड डाउन द टॉप वायर, उन्होंने कहा जैसे ही उन्होंने सबसे ऊपर वाली रस्सी को नीचे दबाया। सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो इस बाड़ को क्रॉस कर सके। दिस इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, ये वो चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। हु डिड दिस, किसने ये किया? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हु क्लियर दिस लैंड, किसने इस जमीन को साफ किया? एंड फेंस्ड इट, और इसके गिर्द बाड़ लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, और किस चीज के लिए बाड़ लगाई? स्ट्रे कैटल, आवारा मवेशियों के लिए। इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, वो अगर कभी चरागाह से बाहर आ जाएं तो। ही आंसर्ड मी कर्टली, उन्होंने मुझे रूखे अंदाज में जवाब दिया। आई क्लियर दिस लैंड, मैंने इस जमीन को साफ किया। एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने यहाँ पे बाड़ लगाई। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन, लेकिन आप इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े? एंड डू दिस, और ऐसा क्यों किया? आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली, वादी में मौजूद उस जरखेज जमीन की तरफ देखें जो हम रखते हैं। फर्टाइल, जरखेज। ही लाफ्ड एज ही रीच डाउन, वो हंसे जैसे ही वो नीचे झुके। एंड पिक्ड अप अ डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रॉट लोम, और उन्होंने दोहरी मुट्ठी भर के गले सड़े पत्तों की मट्टी उठाई। दिस इज द लैंड सन, ये है वो जमीन बेटा। दिस इज इट, ये है वो। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड ऑफ लैंड, मैंने हर तरह की जमीनों को आजमाया है। देन ही स्मेल्ड ऑफ द डर्ट, फिर उन्होंने इसकी मट्टी की खुशबू को सूंघा। ही विफ्ड, उन्होंने सूंघा। एंड विफ्ड द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट इन टू हिज नॉस्ट्रल्स, और अपने नथनों से इस जंगली मिट्टी की खुशबू को सूंघते ही गए। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताजा हवा की तरह। ही सेड, उसने कहा। एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर्स, जैसे ही उन्होंने इस मट्टी को अपनी उंगलियों के दरमियान से गुजरने दिया। इट्स प्लेजेंट टू टच टू, इसे तो छूना भी बहुत खुशगवार है। ही एडेड, उन्होंने इजाफा किया। डैड, लेकिन वालिद साहब। आई सेड, मैंने कहा। आई नो व्हाट यू थिंक, मैं जानता हूँ तुम क्या सोचते हो। ही इंटरप्टेड, उन्होंने मुदाखलत की। योर मॉम थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माम भी ऐसी ही सोच रखती है। शी वंडर्स, वो हैरान होती है। व्हाई आई एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप, कि मैं पहाड़ की इस चोटी पर क्यों चढ़ा? टू रेज माई पोटैटोज, यम्स एंड टमाटोज, अपने आलुओं, कचालुओं और टमाटरों को उगाने के लिए। बट जैस, लेकिन जैस। ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड, कोई भी चीज जो इस तरह की नई जमीन में उगी हो, लाइक दिस, इस तरह की जमीन में, हैज अ बेटर फ्लेवर, वो बहुत अच्छा जायका रखती है। वेट, इंतजार करो, अंटिल माई टमाटोज आर राइप, जब तक मेरे टमाटर पक नहीं जाते। यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ, तुमने अपनी जिंदगी में इससे मीठे टमाटर नहीं खाए होंगे। दे विल सून बी राइप टू, वो भी जल्द ही पक जाएंगे। आई सेड, मैंने कहा। एज आई लुक्ड एट द डजन और मोर रोज ऑफ टमाटोज ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, जैसे ही मैंने एक दर्जन या इससे ज्यादा टमाटरों की कितारों को देखा जो कि इस किते की नशेबी हिस्से में लगी हुई थी। देन अबव द टमाटोज वर अ हाफ डजन रोज ऑफ यम्स, फिर इन टमाटरों से आगे आधी दर्जन कितारें कचालों की थी। अबव द यम्स वर परहैप्स 3 dozen रोज ऑफ पोटैटोज, और इन कचालुओं से आगे शायद 3 दर्जन कितारें आलुओं की थी। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, मुझे इस कितारी जमीन में कोई भी जड़ी बूटी दिखाई नहीं देती। आई लाफ्ड, मैं हंसा। वोंट दे ग्रो हेयर, क्या वो यहाँ उगती नहीं? आई वॉन्ट लेट देम, मैं उन्हें उगने नहीं देता। ही सेड, उसने कहा। नाउ दिस इज वट आई हैव बीन वॉन्टिंग यू टू सी, अब ये है वो चीज जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, ये सबसे साफ सुथरा किता था जो कि मैंने कभी देखा था। आई ब्रैग्ड, मैंने शेखी भगारी। बट आई स्टिल डोंट सी वाई यू क्लाइंब ऑन द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि आप
इस पहाड़ी की चोटी पर क्यों चढ़े? इस किते को साफ करने के लिए. एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स. और आपने ये सारा कुछ अपने डॉक्टर के अहकाम के खिलाफ किया. विच वन? कौन सा डॉक्टर? ही आस्क्ड, उसने पूछा लाफिंग, हंसते हुए. यहाँ पे हम अपने आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं. इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड एंड स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.